हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अपनी वीडियो पर जो थंबनेल लगाते हैं वो कैसे क्रिएट करें। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि थंबनेल बनाने का सही तरीका। थंबनेल आप कैसे बना सकते हैं अपने मोबाइल से ही, और अच्छा एक अच्छा HD फुल HD में आप थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी इसमें काइन मास्टर की। आप अपने मोबाइल फोन में काइन मास्टर को इंस्टॉल कर लेंगे। काइन मास्टर को इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे। जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है प्लस के साइन पे क्लिक करना है। प्लस के साइन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है सेलेक्ट द एस्पेक्ट रेशियो ऑफ द प्रोजेक्ट। आपको कौन से रेशियो में अपना प्रोजेक्ट बनाना है। तो दोस्तों हम थंबनेल बना रहे हैं जो कि वो वीडियो के साइज में होता है, तो हम इसलिए 16:9 का बनाएंगे। 16:9 का लेने के बाद दोस्तों ये आपसे पूछेगा कि आपको बैकग्राउंड कैसा लगा रहे हैं। हम यहाँ से बैकग्राउंड ले लेंगे। बैकग्राउंड हम यहाँ से कोई भी सिंपल एक बैकग्राउंड ले सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपको एक लेकर दिखा देता हूँ इनमें से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक ये वाला लगा लेता हूँ। दोस्तों यहाँ से आप इस पे साइड में क्लिक करेंगे। इस साइड में लाने के बाद यहाँ से राइट पे क्लिक कर देंगे। जब राइट पे क्लिक कर देंगे तो बैकग्राउंड आपके सामने आ जाएगा। आप बैकग्राउंड पे आप जो जो भी लिखना चाहते हैं, इमेज लगाना चाहते हैं, वो मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ कि आपका थंबनेल कैसे कम्प्लीट होगा। दोस्तों आपको इसमें जाना है लेयर पे। लेयर पे जाने के बाद आप यहाँ से टेक्स्ट पे जा सकते हैं। टेक्स्ट पे आप यहाँ पे जो भी क्लिक करेंगे, दोस्तों जैसे कि मैं अपने चैनल का नाम टाइप करके आपको दिखा रहा हूँ। वीडियो आप यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों ये आपके सामने आएगा। आप यहाँ से इसे छोटा बड़ा साइज कर सकते हैं। इसे यहाँ आप अपने कहीं भी कंफर्ट के अकॉर्डिंग से एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कलर की। कलर दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसमें ये व्हाइट कलर है। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप जो कौन सा भी कलर लेंगे वो इसमें सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको अभी एक कलर लेके दिखाता हूँ, रेड कलर। यहाँ पे देखो रेड कलर आ गया इधर। अब हम यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपके सामने रेड कलर का हो गया है। अब बात करते हैं इसके आउटलाइन की और ग्रो की। दोस्तों आप ग्लो करेंगे इस पे, तो आप यहाँ से इनेबल करके इसे करेंगे तो दोस्तों इस पे येलो कलर की ग्लो बन जाएगी। आप यहाँ से कोई सा भी कलर लेके बना सकते हैं। दोस्तों मैंने अभी येलो की आपको लेके दिखा दी है। और बात करते हैं आउटलाइन की। दोस्तों आप इस पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से जब इस पे जाएंगे तो अब आउटलाइन आएगी। यहाँ पे आउटलाइन पे आप क्लिक करेंगे, इसे आप इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे ब्लैक कलर की आउटलाइन हो गई है। आप इसे हल्की कम ज्यादा कितने भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसे कम कर देता हूँ, अभी ज्यादा अच्छी नहीं लगती है इसलिए कम करके लगा दी है, ताकि आपका एक जो थंबनेल है वो अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आप इसे राइट कर देंगे। राइट करने के बाद आप इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों हम इमेज, ये इस पे इमेज लगानी हो तो कैसे लगाए। दोस्तों इसे राइट कर देंगे। इमेज लगाने के लिए हम फिर से दोबारा से लेयर पे जाएंगे। लेयर पे जाने के बाद दोस्तों हम यहाँ से मीडिया पे सिलेक्ट करेंगे। अब मीडिया सिलेक्ट करने के बाद हम अपने फोल्डर में से कहीं से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम ये कैसे लगाए। मैं आपको अभी लेकर दिखाता हूँ दोस्तों। हम लोगो में ये देखो मेरा पढ़ाई, मैंने लोगो तैयार करा हुआ है। तो दोस्तों मैं यहाँ से ये वाला इमेज लेके ले लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों मेरा ये आ गया है। मैं यहाँ से इसे ऐसे करके ये लगा दूंगा। यहाँ से कहीं भी एडजस्ट कर सकता हूँ, कितना भी साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं इसे। आप यहाँ से एडजस्ट कर देंगे दोस्तों, यहाँ से इस पर राइट कर क्लिक कर देंगे। दोस्तों अगर और भी इमेज लगानी हो तो आप दोबारा से ऐसे ही जाएंगे, मीडिया में जाएंगे। यहाँ से जाने के बाद आप ऐसे इसमें से कोई सा भी एक लगा सकते हैं। जैसे ये लगाना हो ये लगा देंगे यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे ये भी लगा दिया है। और अगर अगर आपको और टाइप करना है, इस पे कुछ और लगाना है, तो आप ऐसे ही दोस्तों लगा सकते हैं। इसी तरह से आप दोस्तों अपना पूरा थंबनेल तैयार कर सकते हैं। जब आपको पूरा थंबनेल तैयार हो जाएगा तो दोस्तों आपको करना क्या है, इसे अपनी गैलरी में सेव करने के लिए। दोस्तों आप इसे ऐसे सेव नहीं करेंगे, यहाँ से इस पे जाएंगे। इधर साइड में आपको दिख रहा होगा एक निशान बना हुआ दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा है कैप्चर एंड सेव। आपको इन तीनों में से सबसे ऊपर वाला सिलेक्ट करना है, कैप्चर एंड सेव। कैप्चर एंड सेव पे आप क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों आपका यहाँ पे डीप लेकर ऐसे ये सेव हो चुका है। अब दोस्तों इसने कैप्चर कर लिया है इसको, ये आपकी गैलरी में सेव हो चुका है। आप इसे थंबनेल में यूज कर सकते हैं। और दोस्तों आप देख रहे होंगे कि कितना अच्छा लग रहा है, मतलब टेक्निकल लिखा हुआ भी अच्छे से दिख रहा है, और दोस्तों कितना ये क्लियरली दिख रहा है। इसी तरह आप अपने बहुत से थंबनेल अच्छे से ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, और अपनी वीडियो पे अच्छे अच्छे थंबनेल लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यही वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आगे बने रहिए हमारे चैनल में, आगे ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।